Hi guys, CBSE has released all the details about the OMR sheet. What are the important takeaways? Number one, आपके सारे details जो हैं वो already filled in रहेंगे, आपको बस check करना है. Number two, आपको question paper code जो है वो खुद से fill in करना है question paper में देख के. Number three, जो responses हैं A, B, C, D, उसको सिर्फ blue और black बॉल पेन से ही आपको मार्क करना है, पेंसिल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर आपने पेंसिल यूज कर लिया तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा. ठीक है. नंबर फोर, जहां पे रिस्पॉन्स के जस्ट बगल में एक बॉक्स है वहां पर आपको आपके रिस्पॉन्स लॉक करने हैं, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर वन का अगर मैंने आंसर लगाया है ए, ए वाला अगर मैंने ऑप्शन इनसर्कल किया है, बॉक्स में हमें ए लिखना है. जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऑप्शन डी सही आंसर था, मैंने तो गलती से ए अलग कर दिया, तो आप डी भी लिख सकते हो. फाइनल आंसर जो है वो बॉक्स का ही होगा. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आफ्टर रिस्पॉन्स एंड बॉक्स देर इज अनदर कॉलम जहां पर क्वेश्चन का सीरियल नंबर दे रखा है. जस्ट इन केस अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, आपको बस वो सीरियल नंबर को एनसर्कल करना है. ओके. सो अल्टीमेटली जो डब्बे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्टीमेटली जो बॉक्स में आपने आपने ऑप्शन मार्क किए हैं वही फाइनल आंसर कंसिडर किए जाएंगे. आई होप दिस इज हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट. लेट्स क्रैक इट. Thank you.